गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। मेहंदी का दिन है आज और अभी प्रिपरेशन चल रही है। पहली बात है कि अभी सुबह के ऑलमोस्ट सुबह नहीं, मतलब मैं सुबह उठी थी पर अब तो हो गए 12:44 और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं मीठा, मतलब मेरा फास्ट है तो मैं मीठे पे रहूँगी। तो मेरे लिए कल मेरे ससुराल वालों ने कुछ मिठाइयाँ भेजी थी, ड्राई फ्रूट वगैरह भेजे थे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको खोल दिया था किसी ने, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ओपन करके आपको दोबारा दिखा देती हूँ क्या क्या मिठाई है, कैसी कैसी है, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद अभी मेरा लगेज ओपन होगा तो लगेज में क्या क्या सामान है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये बॉक्स आया है तो इसको ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी ओपन था, किसी ने खोल दिया, मुझे नहीं पता किसने। तो ये पूरा ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, ये बादाम है और ये काजू है और ये मिठाइयाँ है, ये सारी ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयाँ है। तो ये खाएंगे। प्लस ये चीज़ हमें खानी पड़ती है, गुलगुले हैं और ये हथौने हैं, ये ब्राइड खाती है और उसके साथ जितने भी होते हैं उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर वो खाते हैं। मतलब ये मेरा खाना है तो जितने भी दिन अब रहेंगे मेरे, हल्दी वगैरह होगा और मेहंदी वगैरह होगा तो मुझे ये खाना होगा। और पीछे से मेरी मम्मी मेरी बहन को आवाज़ दे रही है कंटिन्यूसली और मेरी छोटी बहन बहुत हंस रही है। तो मैं आपको लगेज ओपन करके दिखा देती हूँ। ये टॉवल है, ये टॉवल का हमारा मतलब सेट ले रखा है, दो छोटे टॉवल दो बड़े टॉवल। और ये सूट है मेरे घर वालों ने दिया है जो, और ये मेरी मेकअप किट है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। अब इसके अंदर और भी सामान ऐड करना है तो आप देख सकते हो, तो ये सारा मेकअप का सामान है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह, ये मेरी साड़ियाँ है, ये भी साड़ी हो गई है मेरी, ठीक है। और ये गाउन है मेरे, ये जीन्स है, तो ये सारे सूट ही है, ठीक है। अब जब मैं कभी पहनूंगी तो आपको एक एक पहन के दिखाती रहूंगी। और ये मेरा गाउन है, ये भी सूट है, ड्रेसेस भी है इसके अंदर पीछे। तो ये है मेरा सूट का लगेज और आगे मैं और लगेज ओपन करूंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी। तो ये दूसरा वाला लगेज है, छोटा वाला, इसके अंदर मेरी रिसेप्शन की हील है, ठीक है, ये रिसेप्शन की हील है। और ये शादी के दिन जो मैं हील पहनूंगी वो है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये देख लो, ठीक है। प्लस ये जो सेट है वो है मेरा और ये बैंगल है। तो और ये परफ्यूम है, परफ्यूम की बॉटल है ये, ठीक है। तो बस इतना ही कुछ है, ये वाले में कम सामान रखा है क्योंकि इसको लेके जाना है मुझे पार्लर। तो गाइस अभी मैं दोबारा हो गई तैयार, अभी 5:00, मैं सो गई थी थोड़ी देर, मुझे नींद आ गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मेहंदी वाले भैया आ जाएंगे थोड़ी देर में और रस्में होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो तनिष्का अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी तक इसी कपड़ों में बैठी हुई है और मेरी बहन रेडी हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई थी, अच्छी तरह से फूल वगैरह सब लगा लिए थे, तो ये मेरा फाइनल लुक था। और साथ ही साथ मेहंदी वाले भैया भी आ गए हैं, तो मेहंदी वाले भैया ने पैरों से लगाना स्टार्ट करी थी जिसके लिए मेघा मुझे हेल्प कर रही थी। प्लस इसके अंदर क्या था कि भैया ने ऑयल वॉयल लगा दिया था मुझे पैरों पे और फिर उसके बाद पैरों पे लगाना स्टार्ट करी। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मेहंदी पता नहीं कैसी लगेगी, वो कन्फ्यूज़न आपको दिख भी रही होगी इधर। प्लस भैया ने स्टार्ट कर दिया था हाथों पे भी लगाना, तीन मेहंदी वाले भैया आए थे तो तीनों मेहंदी वाले भैया ने स्टार्ट कर दिया था पैर हाथ दोनों लगाना। तो मेहंदी वाले भैया की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एक तो तीन भैया थे प्लस उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे। और फिर मेघा ने डांस, वहाँ पर ही मेरी बहन मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी, मेरे दोनों हाथों मेहंदी लग रही थी, तो जो भी मुझे जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी मुझे पानी पिला रही थी। मतलब छोटी बहन होने का फ़ायदा होता है वो आपकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है, तो वही तनिष्का मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। प्लस मेहंदी देख लीजिए भैया ने कितनी अच्छी तरह से लगाई है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी मेहंदी तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोशूट शुरू हो गया था क्योंकि फ़ोटोग्राफर आ गए थे, तो तनिष्का अपना वेट कर रही थी फ़ोटोशूट कराने का, तो हम सब इधर वेट कर रहे थे लाइन से, सबका फ़ोटोशूट हो रहा था। फाइनली मेहंदी लग गई थी, दोनों हाथ दोनों पैर में मेहंदी लग गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा बैठे बैठे थक गई थी पर अच्छा भी लग रहा है मुझे।
तो गाइज अभी हम सब ने मेहंदी लगा रही है घर वालों ने, तो ये मेरे हाथ है मेहंदी वाले, और ये मेघा ने भी लगा ली है, प्लस मेरी बुआ ने भी लगाई है। दीदी आके दिखाओ, तो मैं बुआ को भी दीदी बोलती हूँ तो वो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है। और मेरी दूसरी वाली बुआ ने भी लगा ली, सब ने लगा ली है। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी क्योंकि सबके हाथ बिजी, सिर्फ मेघा की मेहंदी सूखी है, मेरी भी थोड़ी थोड़ी सूख गई है। तो आज का ब्लॉग मैं यही करती हूँ एंड। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस।